जेम्स कॉर्बेट ने अपने एक्सपीरियंस के बारे में कई सारी किताबें लिखी थी। उसमें से एक किताब बहुत फेमस है, मैन इटर्स ऑफ कुमाऊ। उस किताब में चंपावत टाइग्रेस के बारे में बताया गया है, जिसने 400 से भी अधिक लोगों को मारा था। इंडिया में चंपावत गांव के आसपास उसने लोगों को मारना शुरू की। 1907 में जेम्स कॉर्बेट जब उस जगह पे पहुंचे, तब उसी समय उस टाइग्रेस ने एक 16 साल की छोटी लड़की को मारा था, जिसका नाम था प्रेमिका देवी। जब वो टाइग्रेस उस लड़की को घसीट के लेके जा रही थी, तब उसके जो ब्लड के ट्रेसेस थे उसको ट्रैक करते करते अपने वहां के कुछ बंदों के साथ उस जगह पे जाके पहुंचे। तब उस समय जेम्स कॉर्बेट के हाथ में एक राइफल थी और उसमें सिर्फ 2 गोलियां थी। जब वो टाइग्रेस उनके सामने आई, तो उन्होंने वो 2 गोलियां उसके ऊपर डाल दी और फिर उस टाइगर्स को वहीं पे ही खत्म कर दिया। उसके थोड़े समय के बाद जेम्स कॉर्बेट को और एक चिट्ठी आती है, और उस चिट्ठी में क्या लिखा था और वो किस बारे में थी, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे।